बारबेक्यू का धुआं हर तरफ फैला हुआ था। खूब मोटा ताजा जानवर था जो जबा किया गया था। सब कुछ बांट कर जो गोश्त बच गया था, आज उसकी बारबेक्यू पार्टी रखी गई थी। सहन मेहमानों से भरा हुआ था, असीखे उतर रही थीं और साथ साथ खाई जा रही थीं। हंसी के कहकहों में कान पड़ी आवाज सुनना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान उसे एक कॉल आती है, जिसे सुनने के लिए वो कोने में दीवार की तरफ चल पड़ता है। कॉल सुनकर वापस पलट ही रहा होता है कि उसके कान में एक आवाज पड़ती है, अब्बू लोग तो सीखे बना रहे हैं और हमने अभी तक गोश्त चखा भी नहीं। आपने तो कहा था कि इस ईद पर हम गोश्त जरूर खाएंगे। ये सुनकर उसे एक जोरदार झटका लगा। ये आवाज पड़ोसी की 7 साल बच्ची की थी। घर का मंजर कुछ यूं था कि बच्ची बाप के पास मौजूद है और उसका बाप चारपाई पर सर झुकाए बैठा है। वो बगैर कोई वक्त जाया किए वापस अंदर घर की तरफ लपका। बच्ची के अल्फाज उसके कानों में अब तक हथौड़े की तरह बज रहे थे। अंदर पहुंचकर फ्रिज खोला और घर में पकाने के लिए रखा हुआ गोश्त ही उठा लाया और दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा तो बच्ची ने ही दरवाजा खोला। जैसे ही बच्ची की नजर गोश्त पर पड़ी, उसकी आबदीदा आंखों में चमक सी आ गई। बच्ची की यह हालत देखकर उसके वालिद के भी आंसू निकल आए। हाथ उठाकर दुआ देने लगा, अल्लाह आपको खुश रखे इस जहान में भी और उस जहान में भी, और जिंदगी भर किसी का मोहताज ना करे। उसे ऐसा लगा जैसे जिस्म में सुकून की एक लहर दौड़ गई हो और कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई हो। सामीने किराम, हम अपने खाते पीते घराने के दोस्तों को दावत पर बुलाकर समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम इन गरीबों का हक उन तक पहुंचा रहे हैं या गाफिल हैं? अगर गाफिल हैं तो हमें इस गफलत से निकलना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर तरह की गफलत से बचाए रखे। आमीन।